अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज से एक साल पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो बनाया था गूगल पीपल कार्ड बनाने का, उसमें मैंने तरीका बताया हुआ था। तो उस टाइम तो वो काम कर रहा था, लेकिन जो है कुछ टाइम बाद वो काम करना उसने बंद कर दिया। तो आप में से कुछ लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया हुआ था कि वो वीडियो काम नहीं कर रही, न्यू वीडियो बना ले। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेता हूँ। तो चलो ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक नया ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना, मैंने मिंट कर दिया। उस पर अपनी आईडी डाउनलोड लॉगिन करनी है, जैसा कि मैं अपना जो है एक न्यू आईडी इस पर लॉगिन कर रहा हूँ। इसमें मैंने ईमेल डाल दी और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। आप भी जो है अपने जो है जीमेल की जो पासवर्ड है वो डाल दें। और डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो ये जो है लॉगिन हो रहा है। और इसमें मैंने जो है गूगल पीपल कार्ड का जो लिंक है वो मैंने पुट किया था, लेकिन नॉर्मल तरीके से ये जो है ये सब कुछ शो होगा। मतलब वो एड मी टू सर्च और गूगल पीपल कार्ड शो नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए अभी मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। वो लिंक जो है मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, अब पेस्ट कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। वो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जो है करना आपने ये है कि google.com ओपन कर लेना है। और करने के बाद जो है इस पर और नीचे ये बैक कर लो, नीचे ये सेटिंग दिख रहा है उस पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और यहाँ पर जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेना है अपने इंडिया का। डिफ़ॉल्ट आपका पाकिस्तान होगा, लेकिन आपने चेंज करके इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर दें आप। और सेव करने के बाद जो लिंक आपने कॉपी किया हुआ था जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर google.co.in ओपन कर लेना है। एक दफ़ा ओपन हो जाए फिर वो जो लिंक कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। तो ये आपके सामने एडमी टू सर्च वाला प्रोफाइल अपीयर होगा, लेकिन जो है फौरन ये नंबर मांगेगा। ये बोलेगा कि वेरिफिकेशन के लिए एक नंबर दे दें, उस पर OTP आएगी और जो है वेरीफाई होगा। अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके अपना नंबर देंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। जैसा कि अभी फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स देकर अपना नंबर देकर ट्राई कर लेता हूँ कि शायद हो जाए, जैसा कि पुराने वीडियो में मैंने किया था। तो देख लेते हैं शायद इसमें हो जाए। मैं वैसे टेम्परेरी कुछ भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सब कुछ मैं ऐसे ही टेम्परेरी में यहाँ पर डाल रहा हूँ। नासा फ़र्ज़ करो, आप भी कुछ भी, आप तो वही पुट करोगे जो आपका जो है ओरिजिनल डिटेल्स है वही डालोगे। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं होम टाउन पे कराची और वेबसाइट पे चलो मैं अपना कुछ भी वो लिंक दे देता हूँ। तो ये लिंक दे दिया मैंने और से प्रीव्यू पे करूँगा तो ये फिर से नंबर मांगेगा। चलो फ़र्ज़ कर लो कि यहाँ पर मैं अपना नंबर दे दूँ, तो ये फिर से जो है थोड़ी देर बाद दोबारा OTP के लिए मांगेगा। अभी ये मैंने फ्लैग इंडिया का रखा हुआ है, अगर पाकिस्तान रखकर भी नंबर डालोगे फिर भी जो है दोबारा वहीं बोलेगा कि एक्सेप्टेबल नहीं है ये नंबर। पहले होता था लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने कुछ ज़्यादा ही कर लिया तो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो एक ही जो है इसका तरीका है, आपने जो है एक सोनेटल नाम का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप प्ले स्टोर पर भी जाकर डाउनलोड जो है यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोनेटल SONETEL, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाके आपने डाउनलोड कर लेना और ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो है ये लोग USA के नंबर, USA के जो है ये नंबर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। पहले आपने अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। अकाउंट वेरिफिकेशन पर आकर जो है आपने ये
लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आके आपने बिलिंग एड्रेस और ये प्रूफ ऑफ बिलिंग एड्रेस ना भी दे कोई मसला नहीं है। आईडी कार्ड नंबर की जो है तस्वीर आपने अपलोड करनी है और प्रूफ ऑफ आईडी जो मांग रहे हो वो अपलोड करना है। कुछ टाइम बाद ये वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आपने एक फ़ोन नंबर पे आकर अपना जो है एक यूएसए का नंबर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक यूएसए का नंबर पड़ा हुआ है। नंबर इज़ फ्री एज लॉन्ग एज यू यूज़ द चैट विजिट। तो मैंने ये नंबर लिया था तकरीबन 500 रुपये का। ये नंबर नहीं लिया था, मैंने एक और नंबर लिया था वो 500 रुपये के लिए थी पाकिस्तानी। तो यूएसए तकरीबन 1.99 डॉलर बनते हैं। तो वो नंबर मैंने लिया था और वो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन ये एक नंबर वो लोग फ्री में देते हैं। तो ये नंबर मुझे लाइफ टाइम चलेगी। तो लाइफ टाइम ओटीपी भी आएगी। और जो है वो नंबर जो है मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर लेना। तो ओटीपी जो है जो जीमेल आपने सोनीटेल पे दिया हुआ है उस पर ओटीपी आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे जीमेल पर ओटीपी आ गई है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो है वहाँ पीपल कार्ड पे मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसा कि मैंने पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये दोबारा डिटेल्स मांगेंगे, तो मैं पुट कर लेता हूँ। लोकेशन मैंने कराची डाल दी और अबाउट मैं भी कुछ डिटेल्स में डाल रहा हूँ। आप भी वही डिटेल्स डालिएगा जो आपका जो है ओरिजिनल डिटेल्स होते हैं वही आप पुट कर लिएगा। तो पेशन में जो है आपका जो काम है वो आप डाल दें और वर्क में जो कंपनी नेम है वो डाल दें, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी नेम डाल दें या कुछ भी डाल दें जो आपकी एजुकेशन लेवल है, और होम टाउन जो भी है आपका वो पुट कर दें। और वेबसाइट जो है आपका जो भी वेबसाइट है वो उसका लिंक जो है आपने दे देना है, अगर ना भी हो कोई मसला नहीं है। तो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी जो गूगल अकाउंट का जो जीमेल एड्रेस है वो खुद ही पुट हो जाएगी। और यहाँ से आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है YouTube का लिंक अगर आप ऐसे ही डालोगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपने करना यूँ है कि आपने अपनी जो है अपने चैनल पे जाना है। जैसा कि मैं अपना अपने चैनल का जो मेन पेज है ओपन कर रहा हूँ, तो ऊपर जाके शेयर पे क्लिक कर लेना। शेयर पे क्लिक करने के बाद जो लिंक होता है वो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अगर नॉर्मल तरीके से अगर यहाँ पुट करोगे, जैसा ये फजूल चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, तो ऐसे पुट करोगे अगर तो ये एरर दिखाएगा कि सिंबल्स इज़ नॉट अलाउड, ऐसा कुछ दिखाएगा। अभी देख सकते हो इनपुट कंटेंट स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपने करना यूँ है कि ये जो कॉपी किया लिंक आपने उसको जो है सिंपल सा आपने क्रोम पे ले जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है आपने डेस्कटॉप मोड साइड से ऑन कर लेना है। अभी मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप मोड ऑन कर ले। और तो फिर जो है आपका दोबारा वही चैनल ओपन होगा। तो जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पर अबाउट में आए तो यहाँ पर नीचे शेयर चैनल होगा, उस पर शेयर चैनल पर कॉपी चैनल आईडी कर लेना है। कॉपी हो गई तो वापस आपने वही मिंट ब्राउज़र पे आ जाना है जहाँ पे हम पीपल कार्ड एडिट कर रहे थे। तो मैं आ जाता हूँ वापस, जो लिखा हुआ है मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं दोबारा जो है YouTube.com के आगे चैनल लिख लेना है, और जो है वो कॉपी आईडी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से। बाकी फेसबुक और ट्विटर वगैरह वगैरह का जो लिंक है
उसमें कोई एरर नहीं आएगा और नॉर्मल तरीके से आप डाल दीजिए। मैंने शॉर्ट हैंड का लिंक दिया हुआ था तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपका वेबसाइट है तो हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। तो यह प्रीव्यू है पीपल कार्ड का। अगर आप भी करोगे तो आपका भी ऐसा जो है पीपल कार्ड शो होगा। मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद व्यू सर्च कर लेता हूँ तो जो है थोड़े कुछ अभी अभी तो शो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये शो होने लग जाएगा। तो वापस आकर आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये था ट्यूटोरियल के कैसे आप गूगल पीपल कार्ड को जो है वेरीफाई कर सकते हो। ये सोनीटल जो ये ऐप है मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ आपको, तो वो आप डाउनलोड करके नंबर वाई कर लीजिएगा। तो नंबर ज़्यादा महंगा है नहीं, वो तकरीबन पाकिस्तानी 500 रुपये में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।